प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब हम किसी से प्यार करते हैं, प्यार व्यक्त करने के लिए हम कुछ ना कुछ तोहफा देते हैं। हम प्यार को अपने बाहरी चाल से, कार्यों से प्रदर्शन करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु येसु बेथनिया में थे और लोग प्रभु येसु के सम्मान में प्यार व्यक्त करते हुए एक भोजन का आयोजन किया था। उसी समय मरियम नामक स्त्री प्रभु येसु को अपना प्यार प्रकट करने के लिए असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र को प्रभु के चरणों पर विलेपन करती है। वह स्त्री ने प्रभु के प्यार के आगे इस संसार के संपत्ति के बारे में नहीं सोचा। इस संसार के वस्तु से प्रभु का प्यार ज्यादा है, इस बात को व्यक्त करने के लिए बहुमूल्य वस्तु से प्रभु में प्यार दिखाती है। लेकिन प्रभु येसु के शिष्य ने, यूदस ने, उस इत्र का मूल्य के बारे में सोचा। उसको प्रभु के प्यार का अनुभव नहीं हुआ था। वह स्त्री मरियम ने अपने जीवन में प्रभु का प्यार को अनुभव करते हुए वो अनमोल प्यार को बहुमूल्य वस्तु से प्रकट करना चाहा। यूदस गरीब लोगों के बारे में सोचते हुए दिखाई पड़ता है, लेकिन उसको गरीबों के बारे में चिंता नहीं था, लेकिन वो अपने बारे में ही सोच रहा था, कैसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करके अपना जेब भर सकूं। मरियम प्रभु से प्यार करती थी। प्यार कभी दूसरों की भला अच्छाई चाहता है। यूदस के मन में लालच था। लालच कभी भी अपना ही भला चाहती है। मरियम ने अपने पैसों से इत्र को खरीदा, लेकिन यूदस ने 30 सिक्कों के लिए अपने प्रभु को ही बेच दिया। मरियम ने अपने पैसों को प्यार के लिए खो दिया। यूदस ने लालच से अपने लिए इस संसार का वस्तु को पा लिया। दूसरों को देने से हमारा जीवन में प्यार, मोहब्बत, सुख, शांति को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन लालच के द्वारा हम प्यार को अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो कोई कार्य हम प्यार से करते हैं वो व्यर्थ नहीं होता। वो कितना छोटा काम क्यों ना हो, लेकिन प्यार के द्वारा वो कार्य अनमोल हो जाता है। मरियम के इस कार्य को यूदस ने व्यर्थ सोचा, लेकिन प्रभु ने इस प्यार से उत्पन्न हुआ कार्य मान लिया। प्रभु ने मरियम का उस छोटा कार्य को मान लिया। हमारा कार्य कितना भी छोटा हो, लेकिन हमारा इरादा कैसा है उस पर आधारित है प्रभु का स्वीकृति अथवा हमारे सच्चे प्यार से भरे हुए काम को प्रभु ग्रहण करने के लिए पीछे नहीं हटता। जो प्यार मरियम के मन में प्रभु के बारे में था वो अनमोल था। वो प्यार इत्र के मूल्य से भी बहुत ज्यादा था। इसलिए उन सब लोगों के सामने आकर किसी का परवाह न करते हुए प्रभु के चरणों को इत्र विलेपन किया। प्यार इस दुनिया के किसी भी खजाने से अधिक मूल्य का है। मरियम ने अपने प्यार को अपने कार्य से करके दिखाया। हम भी प्रभु से प्यार करते हैं, इस बात को हमारे हर दिन के कार्य में दूसरों को प्यार करते हुए अपने व्यवहार से उस कार्य को जीकर दिखाएं। आज हम प्रभु के प्यार को अनुभव करते हुए हमारे प्यार को एक दूसरे से बांटें। आमेन।